दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजीवी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया था। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर।